वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मानसी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लो कॉस्ट होम डेकोर आइडियाज़ जो कि मैंने मोस्टली वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाए हैं। तो इससे पहले भी मैं आपके साथ कई सारे बजट फ्रेंडली होम डेकोर आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, तो उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने एक बॉटल ली है और इसे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्ले का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्ले की हेल्प से एक लड़की बना रही हूँ। अब मैं फिंगर की हेल्प से क्ले को थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए इस तरह से फैला लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे स्टिक कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं एक नाइफ़ की हेल्प से निकाल दे रही हूँ। तो जहाँ जहाँ भी मुझे इमेज थोड़ी उभरी हुई चाहिए वहाँ पे मैंने नीचे थोड़ी एक्स्ट्रा क्ले लगा दी है। अब मैं इसके हाथ बना के यहाँ पे स्टिक कर दे रही हूँ और कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करूँगी और इसमें शेप दे दूँगी। अब बाकी की डिटेल्स ऐड करने के लिए भी मैं क्ले का यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं इसकी ड्रेस बना दूँगी। अब इसकी स्कर्ट में भी मैं कुछ डिटेल्स ऐड कर दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसका हेड बना रही हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने क्ले से ब्रेड्स बना ली हैं और इसे कट करके मैं इसके हेड के साथ यहाँ पर स्टिक कर दे रही हूँ। अब हेयर्स को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्ले के छोटे छोटे पीसेस बना के ऊपर की साइड स्टिक कर दिए हैं और नीचे की साइड भी मैं ये छोटा सा पीस स्टिक कर दे रही हूँ और इसे हेयर जैसा टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर दे रही हूँ। अब एक बलून का शेप बनाने के लिए मैंने ऊपर की साइड क्ले को कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो हमें इसे पेंट करना है। तो आप इसकी ड्रेस को अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर से पेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइट पिंक कलर से पेंट कर रही हूँ और ऊपर की साइड मैंने पीच कलर बना के उसे पेंट किया है। अब इसी तरह से हम बाकी की चीज़ें भी पेंट कर लेंगे। अब एक डार्कर शेड लेके मैं कुछ इस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ और दोनों कलर्स को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब हेयर्स में भी मैं ब्लैक कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। अब ब्रश के बैक साइड से मैं इसकी ड्रेस पे कुछ पोलका डॉट्स बना दे रही हूँ। एंड फाइनली जो बलून हमने बनाया था उसे मैं पर्ल कलर से पेंट करके इसे कम्प्लीट कर ले रही हूँ। अब बारी है इसके बैकग्राउंड को कलर करने की, तो मैं इसे ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ ताकि एक ग्रीनरी जैसा इफ़ेक्ट आए। तो मैंने यहाँ पे पेस्टल ग्रीन कलर यूज़ किया है और मैं इसके दो कोट अप्लाई करके इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो पूरा पेंट करने के बाद मैं सिल्वर कलर ले रही हूँ और इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरी बॉटल पे हल्का हल्का सा अप्लाई कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा कलर लेके हमें इसे हल्का हल्का हाईलाइट कर देना है। अब एक 3D आउटलाइनर लेके मैं इसकी आउटलाइन बना लूँगी जिससे कि इसको एक फिनिशिंग टच मिल जाए और इसी तरह से मैंने इसे पूरा कम्प्लीट कर लिया है। लास्ट में मैं इसके ऊपर एक रिबन बांध दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड फाइनली दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब हम बनाने वाले हैं एक मिनी ड्रीम कैचर। तो इसके लिए हमें चाहिए एक पुरानी बैंगल, थ्रेड, नीडल और कुछ बीट्स। तो सबसे पहले मैं बैंगल पे फेविकॉल लगा के इसके ऊपर थ्रेड को कुछ इस तरीके से लपेट दे रही हूँ जिससे कि ये बैंगल पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो जो थ्रेड हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं वही थ्रेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने इसे पूरी तरीके से कवर कर लिया है और लास्ट में हमें एक नॉट बना देनी है। अब मैं इक्वल डिस्टेंस पे 12 पॉइंट्स मार्क कर ले रही हूँ जहाँ पर हमें नॉट्स बनानी है। तो नॉट्स बनाने से पहले मैं सबसे पहले इसमें एक बीड इंसर्ट कर रही हूँ। अब मैं एक और बीड इंसर्ट करके अब इसमें एक नॉट बना दूंगी। आप चाहें तो बीड्स वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्टली नॉट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स हमने मार्क किए थे हमें वहीं पे सारे नॉट्स बनाने हैं। और अगर आप कम मेहनत करना चाहते हैं तो आप 12 नॉट्स की जगह कम नॉट्स भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे 6 या फिर 8 नॉट्स से भी कम्प्लीट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से बीड्स इंसर्ट करते हुए नॉट्स बनाती जाऊँगी और इसी तरह मैंने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट नॉट बनाने के लिए जो यहाँ पे हमने सबसे पहले बीड इंसर्ट की थी उसी में से हमें नीडल को इंसर्ट करके नॉट बना देनी है। तो इस तरह से हम पहला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब सेकेंड राउंड में मैं कोई बीड्स नहीं इंसर्ट कर रही हूँ, डायरेक्टली नॉट्स बनाती जाऊँगी। तो अगर आपके पास ड्रीम कैचर बनाने की किट नहीं है या कोई भी सामान नहीं है तो
तो आप इसी तरीके से घर पे पड़े सामान से ही जुगाड़ करके इस तरह से मिनी ड्रीम कैचर बना सकते हैं। और अगर आप एक बड़ा ड्रीम कैचर बनाना चाहते हैं तो आप एक बड़े साइज का एम्ब्रॉयडरी हुप ले सकते हैं और सेम यही प्रोसेस आप उसमें करके एक बड़ा ड्रीम कैचर बना सकते हैं। तो इसी तरह एक एक करके मैं सारी नॉट्स यहाँ पे बना ले रही हूँ, जिससे कि आप देख सकते हैं कि एक अच्छी सी डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे मैं कुछ और बीट्स इंसर्ट कर दे रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि बीट्स वाला पार्ट ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने इसे सारी नॉट्स बना के कम्प्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक नॉट बना के एक्स्ट्रा थ्रेड में कट कर लूँगी। अब इसमें एम्बेलिशमेंट ऐड करने के लिए आप इसमें फेदर्स यूज़ कर सकते हैं, सी शेल्स या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम आप इसमें हैंग कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्विलिंग स्ट्रिप्स का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिप को लेके उसे कुछ इस तरह का शेप दे दिया है। तो इसी तरह से मैंने कई सारे छोटे छोटे पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं। अब इन सारे पीसेस को एक साथ कुछ इस तरीके से स्टिक करके मैं इसे एक फैदर का शेप दे दूँगी। तो मैं इस ड्रीम कैचर को कम्प्लीटली हैंडमेड बनाना चाहती थी, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अपने हाथों से ही बना रही हूँ। आप चाहें तो फैदर्स परचेज करके इसमें अटैच कर सकते हैं। अब मैंने इसी तरह के 3 पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं और इस पर मैंने वार्निश अप्लाई कर दी है, जिससे कि ये वाटरप्रूफ हो जाए और इस पर एक अच्छी सी शाइन आ जाए। अब बारी है इसे ड्रीम कैचर से अटैच करने की। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जंप रिंग्स का यूज़ कर रही हूँ। अब थ्रेड में कुछ बीट्स डाल के मैं ड्रीम कैचर के साथ इन फेदर्स को अटैच कर दूंगी। तो मैं एक बार फिर से इन बीट्स में नीडल को इंसर्ट करके कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूंगी और लास्ट में नॉट बना के इसमें फेदर को अटैच कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने बाकी के दोनों फेदर्स भी इसमें अटैच कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर क्ले से कुछ लीफ के शेप्स बनाए थे, उसे भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी। अब इसे हैंग करने के लिए मैं एक मोटा सा थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और मैंने क्ले से कुछ बीट्स बनाई थी, इसे भी मैं ऊपर की साइड इसमें फिक्स कर दूंगी। लास्ट में इसके सेंटर पे मैं एक स्टोन लगा के इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो मैं इसे अपनी कार में हैंग करने वाली हूँ, पर आप चाहे तो इसे अपने घर की किसी भी वॉल पे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा लास्ट DIY बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड पे एक सर्कल बना के इसे कट कर लिया है। इसी तरह के मैंने 2 सर्कल्स कट किए हैं और इन दोनों को मैं एक साथ स्टिक कर दूंगी, जिससे कि हमें एक थिक बेस मिल जाए। अब मैं एक पुरानी शर्ट का ये छोटा सा पीस ले रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पुराना दुपट्टा हो या कोई भी पुरानी हैंकी हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं इस कार्डबोर्ड के साथ स्टिक करने के लिए इसमें कुछ कट्स लगा दे रही हूँ। और अब इन सारे पीसेस को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। तो हमें इन सारे पीसेस को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए पीछे की साइड स्टिक करना है, जिससे कि आगे की साइड कोई भी रिंकल्स ना रह जाए। तो सारे पीसेस को मैंने इस तरह से स्टिक कर लिया है। अब लास्ट में मैं एक पेपर को बीच में स्टिक कर दे रही हूँ और आगे से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो पेंटिंग करने के लिए हमारा बेस बन के रेडी है। अब डायरेक्टली पेंटिंग करने के बजाय पहले मैं एक पेपर पे एक ड्राइंग बना लूँगी और फिर मैं इसे क्लॉथ के ऊपर ट्रेस कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बोहो पेंटिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं एक लीफ का शेप बना रही हूँ और इसी तरह मैं इसके पीछे भी इसे ट्रेस कर ले रही हूँ। ऐसा करने से हम इसे ईजिली क्लॉथ के ऊपर ट्रेस कर पाएंगे। अब जो कार्डबोर्ड बेस हमने बनाया था उसके ऊपर मैं इसे अच्छे से रख के इसे ट्रेस कर लूँगी। तो ट्रेसिंग करते टाइम हमें इस पेपर को अच्छे से होल्ड करके रखना है, जिससे कि अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं और जो हमारी ड्राइंग है वो अच्छे से इस पर ट्रेस हो जाए। आप चाहें तो डायरेक्टली कपड़े के ऊपर भी ड्राइंग बना सकते हैं, बट कपड़े के ऊपर इसे इरेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसे ट्रेस कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग बन के रेडी है। अब कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने के लिए मैं इस पर यहाँ पर एक सर्कल बना ले रही हूँ और साइड में भी मैं कुछ कर्व लाइन बना के इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो अब हम अपनी पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने येलो में हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। आप कोई भी फैब्रिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो साइड में जो हमने शेप्स बनाए थे उसे भी मैं फिल कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक डार्कर शेड लेके इसे थोड़ा सा शेड दे दे रही हूँ। तो जब भी आप किसी फैब्रिक पे पेंट करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है
कि आपका ब्रश हमेशा ड्राई होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी गीला होगा या आप कलर में थोड़ा सा भी पानी मिक्स कर देंगे तो कपड़े के ऊपर वो कलर फैल जाएगा, जिससे कि आपकी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। अब लीफ को पेंट करने के लिए मैं डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ और लीफ को मैं कम्प्लीटली पेंट कर लूँगी। तो जब साइड के कलर्स ड्राई हो जाएं तब आप बीच की लीफ पेंट करना स्टार्ट करिएगा। तो इसे पेंट करने के लिए आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब साइड के कलर्स ड्राई हो जाएं तब आप बीच की लीफ को पेंट करिएगा, वरना फिर आपके कलर इधर उधर स्प्रेड हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस लीफ को भी पेंट कर लिया है। अब लास्ट में मैं इसकी जो स्टेम है वो ऐड कर दूँगी और वाइट कलर से मैं कुछ बाकी की डिटेल्स भी ऐड करके इसे कम्प्लीट कर लूँगी। तो एक पतले ब्रश की हेल्प से मैं इस लीफ की बाकी सारी डिटेल्स कंप्लीट कर ले रही हूँ। अब इसका बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मैं एक रोप ले रही हूँ और इसकी एज पे मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी पूरी एज को कवर कर ले रही हूँ, जिससे कि इसको एक फिनिशिंग लुक मिल जाएगा। अब रोप का एक छोटा सा पीस कट करके मैं इसके पीछे की साइड ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर दूँगी, जिससे कि हम इसे वॉल पर कहीं भी हैंग कर सकें। तो फाइनली हमारा ये बोहो वॉल डेकोर बनके रेडी है और अब आप इसे कहीं भी हैंग करके डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।